एक बार एक छोटे से गांव में राम और सोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू कहां किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए राम और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे जो डरावने और रहस्यमय थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञतापूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुणा के महत्व को समझाया। और इसीलिए राम, सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।